दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। ग्रीन टाउन लाहौर में अलकायदा का इंटरनेशनल टेक्निकल सेंटर पकड़ा गया और दो दहशतगर्द गिरफ्तार। तीन फरार, लाखों रुपए मालियत के जदीद और हस्तास आलात बरामद। लाहौर से गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलकायदा के हसन गुल और दाऊद शाह ग्रुप से है। अहम सियासी शख्सियत या उनके बेटे के अगवा का मंसूबा बना रखा था। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भरपूर सरगर्मियां। फैसलाबाद में नवाज लीग, लाहौर और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ। लकी मरवत में JUI का सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 10 से 15 सिक्योरिटी अहलकार तैनात होंगे। हतमी सिक्योरिटी प्लान तैयार। कराची, लाहौर और फैसलाबाद में फौजी दस्ते पहुंच गए। पंजाब की गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं, अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की कॉल दे दी। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन को एतमाद में लिया था। परवेज मुशर्रफ बेनजीर कत्ल के बराह रास्त मुलजिम करार। साबिक सदर समेत 7 मुलजिमों पर फर्द जुर्म की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर दी। कराची की मंगूपीर कुमारी कॉलोनी में कलदम तंजीम के दो ग्रुपों में फायरिंग, एक शख्स हलाक, इलाके में खौफ हिरास। इस्लामाबाद फायरिंग के मुलजिम सिकंदर के बारे में मालूमात फ्राहम करने की सजा। पिम्स अस्पताल के तर्जमान वसीम ख्वाजा को ओहदे से हटा दिया गया। दरियाए सतलुज में तुगियानी से मजीद देहात डूब गए, सैकड़ों एकड़ अराजी मुतासिर। सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्तियों की मांग में इजाफा, कीमतें बढ़ गई। उमर अकमल की फिटनेस मामला बन गई, PCB ने अनफिट करार दिया है तो उमर अकमल खुद को तंदुरुस्त साबित करने नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच गए। फजाइया के पायलट राशिद बिन हाक की शहादत को 42 बरस हो गए। निशान हैदर का एजाज पाने वाले नौजवान हवाबाज की बहादुरी नए आने वालों के लिए आज भी मशलेरा।